हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद मी वंदिता। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक मोबाइल कवर बताऊंगी, तो आज वही मैं बताने वाली हूं आपको। ये फ़ोन कवर नोकिया 6.1 प्लस का है। आपके पास जो भी फ़ोन है आप उसका बैक कवर ले सकते हैं, पुराना नया जैसा भी आप चाहें, और आप किसी भी कलर का ये बना सकते हैं कोई भी पैटर्न के साथ। स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक ये पुराना फ़ोन का कवर है और मैं इसी पे आपको बताऊंगी। मेरे पास ये चार कलर्स हैं। इस थ्रेड्स के लिए मैं 4 नंबर का हुक लूँगी जो कि 2.5 mm का है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो स्ट्रैंड है इसके लिए मैंने 23 चेन्स ली थी और ये इससे छोटा है। आपको भी अपना फोन देखना पड़ेगा और चेन उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी। चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। स्लिप नोट से भी बना सकते हैं और ऐसे ट्विस्ट करके भी बना सकते हैं। चेन बहुत टाइट नहीं बनाएं। मैंने ये 22 चेन्स बना ली हैं, लेकिन मैं इसको मेजर करूंगी कि ये छोटा है या बड़ा है। हम लोग यहाँ से मेज़र करेंगे, इस साइड से। अभी ये छोटा लग रहा है, थोड़ा खींच कर ही इसको मेज़र करें, बहुत लूज रख के नहीं। बस 2 चेन की कमी है यहाँ मेरे हिसाब से। आप भी ऐसे मेज़र करें। 1 एंड 2। थर्ड चेन स्टार्टिंग के लिए एक बार फिर मेज़र कर लेती हूँ। हल्का सा खींच कर यहाँ, ये परफेक्ट आ रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं। आप इसमें कोई भी पैटर्न डाल सकते हैं, लेकिन ये कवर बहुत पुराना है तो मैं इसमें बेसिक क्रोशे ही बनाऊंगी, डबल क्रोशे। पूरी रो को डबल क्रोशे से बना लेंगे कि मेरी ये कंप्लीट हो गई है। मैं एक बार फिर भी इसको बनाने के बाद दोबारा मेजर करूंगी। यहाँ हल्का सा नीचे से छोड़ के मैं इसे रखूंगी और यहाँ तक देखूंगी। तो यहाँ हम ब्लू थ्रेड यूज करेंगे। सेकंड थ्रेड लगाने के लिए मैंने ये जो मेरा वाइट वाला डबल क्रोशे था, मैंने इसी में ही ऐसे सिंपल ले लिया और यहाँ पे एक चेन बना दी। टर्न ओवर करेंगे। मैं इसको बिल्कुल प्लेन ही बनाऊंगी और ऐसे ही डबल क्रोशे से इसको एंड तक बना लेंगे, ऐसे। ये मेरी ब्लू लाइन भी कंप्लीट हो गई है। मैं इसको टर्न ओवर करूंगी और इसी से ही एक और रो को बनाऊंगी, सेम डबल क्रोशे। ओके, मेरी ये कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट में आप एक चीज़ देखिए, ये मेरा लास्ट डबल क्रोशे रह गया है। अब जब हमारा कलर चेंज करने का टाइम आया है तो मैं यहाँ सिंगल क्रोशे बनाया और हम इसको ऊपर लेंगे थ्रेड के, और अब हम इसको लास्ट चेन को बनाएंगे, ठीक है। अब इस ब्लू धागे को छोड़ दीजिए। अब ऊपर से ये वाइट वाला थ्रेड हल्का सा लूज पकड़िए और एक चेन बनाए। हम वही रिपीट करेंगे, डबल क्रोशे। आप अपनी पसंद से कलर्स ले सकते हैं, कम ज़्यादा रो कर सकते हैं। आप सिंगल सिंगल रो भी बना सकते हैं कलर से, मल्टी शेड्स भी बना सकते हैं। वाइट रो कंप्लीट करने के बाद ये ब्लैक और मरून को, दोनों थ्रेड को मिक्स किया और
जैसे कि मैंने लास्ट पहले बताया। सिंगल क्रोशे बना लिया और अब यहीं से हम अपना नेक्स्ट कलर स्टार्ट करेंगे। ऐसे व्हाइट को नीचे छोड़ दीजिए, सिंगल चेन बनाइए, टर्न ओवर कीजिए और अब डबल क्रोशे स्टार्ट कीजिए। इसको भी लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। ये रो कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ देखिए कि जो थ्रेड अब हमारा एक ये फिर से रेड वाला आएगा, फिर वाइट आएगा, तो ये ब्लू वाला बहुत नीचे रह जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा नीचे ना रहे तो हमें बहुत लंबा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग जो लास्ट वाला डबल क्रोशे बनाएंगे, सिंगल क्रोशे बना लिया, अब हम इस ब्लू वाले धागे को ऊपर लेंगे। जैसे पहले वाइट लिया था, ब्लू लेने के बाद हम रेड ही बनाएंगे लेकिन ब्लू वाले को बीच में हम लोग लॉक कर देंगे ताकि ये ऊपर जाकर हमें आसानी से मिल जाए। देखिए ऐसे ही हम टू रोज रेड की और ब्लैक की बनाएंगे, फिर एक वाइट आएगा, फिर दो टू रोज जो हैं वो ब्लू की आएंगी, फिर वाइट आएगा और ऐसे करके हम इसको, ये हमारे चार्जर पॉइंट के लिए होगा तो हम इसे ऊपर ही रखेंगे और कैमरा के लिए जो हॉल होता है हम इसको यहाँ तक बना लेंगे। ऐसे ही सेम रिपीट करके ये मैंने अब यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है। ये यहाँ मैं रख के देखूंगी, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम जितने हमारी चेन्स हैं हम इनका ये होल ये बिल्कुल सेंटर में है तो हमें इसके सेंटर में लेके आने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हमारे बीच में फोर चेन्स जो हैं बचती हैं और इतनी ही हमें चाहिए तो हम इसको छोड़ देंगे। बाकी यहाँ से सिर्फ 10 डबल क्रोशे से यहाँ तक बना लेंगे। मैंने यहाँ 10 डबल क्रोशे 10 डबल क्रोशे यहाँ पे बना लिए हैं। इसके बाद हम लोग रेड लाएंगे और मेरा एक साइड से ये कंप्लीट हो गया है और ऐसे ही इधर से 10 डबल क्रोशे हम लोग सेम बनाएंगे ऊपर तक। तो ये मैंने दूसरी साइड भी कंप्लीट कर ली है अपनी, ये देखिए पूरा यहाँ तक आ गया है। अब हमारा ये ऊपर के फोर चेन का रह गया, हम इसकी बैक साइड लेंगे। बैक साइड से हम यहाँ से चेन बनाएंगे, वन टू थ्री यहाँ थ्री फोर चेन्स बना के इसके एंड से हम लोग एक स्प्लिट चेन बनाएंगे। ऐसे टर्न करेंगे, टर्न करके हम एक चेन बनाएंगे और ये जो फर्स्ट है इस यहाँ से ये यहाँ से लेंगे और यहाँ से एक स्प्लिट चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशे बनाएंगे फोर, वन टू थ्री एंड फोर। और यहाँ लास्ट में इसको
लॉक कर देंगे ऐसे सिंगल क्रोशे से। अब टर्न ओवर करेंगे, ब्लू थ्रेड लगाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे कर दिया। अब यहाँ फोर डबल क्रोशे ब्लू के, टू डबल क्रोशे, थ्री एंड फोर। यहाँ एक एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि जो मैंने शुरू का बनाया वो उसी के बीच में बन गया, तो थ्री माने जाएंगे, तो एक एक्स्ट्रा कर देंगे, कोई बात नहीं। और ये इसके साथ यहाँ स्प्लिट स्टिच से लॉक कर देंगे ऐसे। इसको यहाँ पर नोट लगा देंगे, थ्रेड को कट करेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए, अब हम इसकी चारों तरफ से एक बॉर्डर बनाएंगे। देखिए ये यहाँ पे जो हम लोग करेंगे वो सिर्फ एक सिंगल क्रोशे से बनाएंगे, एक बाउंड्री बनानी है बस हमें इसके ऊपर। इस बाउंड्री को हल्का सा टाइट बनाएंगे ऐसे और सारे धागे बीच में करते चले जाएंगे। ये चारों तरफ बाउंड्री बनाने के बाद हम सेंटर में यहाँ चारों तरफ एक बाउंड्री बनाएंगे, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर किसी भी ग्लू, हार्ड ग्लू या कोई भी फेविक्विक लेके, ये मैं फेवी बॉन्ड यहाँ यूज़ कर रही हूँ, इसको हम पूरे कवर पे लगा देंगे साइडों में अच्छे से। और इसको ऐसे हल्का सा खींच के चारों तरफ से हम लोग इसको स्ट्रेच करेंगे और इसको बहुत अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब यहाँ जो यहाँ कोई ऐसा कोई चार्जिंग का है नहीं पॉइंट, सिर्फ एक नीचे ही है, तो नीचे हम इसको इतना ही यहाँ तक ऐसे पेस्ट करेंगे जैसा मैंने इसमें किया है ऐसे। और चारों तरफ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया था ऐसे। और सेंटर से अच्छे से मैंने पेस्ट करके इसको कंप्लीट किया था। मैं बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और एंजॉय कीजिए, फोन कवर्स बनाइए एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।